अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द साइकोलॉजी लेक्चर्स। माय नेम इज आशा सिद्दीका एंड वी आर डूइंग टर्मिनोलॉजीज ऑफ DSM-5। फ्लैशबैक, इस फ्लैशबैक से आपको ड्रामास मूवीज नज़र याद आ रही कि एक अच्छा खासा ड्रामा मूवी चल रहा होता है और फिर धीमता के साथ एक पिछला कोई सीन दिखाया जाता है, उसकी सोचों में एक सीन घूम रहा होता है और फिर आपको फ्रंट से दिखाते हैं क्या वैसे है। तो लिटरली फ्लैशबैक यही है कि आप अपनी मेमोरीज़ को रीलिफ्ट करो, कि दोबारा से उन मेमोरीज़ को जियो, ठीक है, ये फ्लैशबैक होता है। अब ज़रूरी नहीं है वो फ्लैशबैक जो है वो गुड मेमोरीज ही हों, अक्सर बैड जो ट्रॉमेटिक मेमोरीज भी होती हैं। तो DSM में जब हम फ्लैशबैक वर्ड यूज़ करते हैं तो ये कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स के साथ जुड़ा हुआ है, ट्रॉमेटिक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह के साथ, जिसमें इंसान अपने ट्रॉमेटिक इवेंट्स को रीलिव करता है, ठीक है, दोबारा से एक्सपीरियंस करता है, री एक्सपीरियंस करता है। उसको ये चीज़ लगती है कि उसके साथ वो सब कुछ दोबारा हो रहा है, फिजिकली भी मेंटली भी। वो अपनी उस स्टेज को दोबारा से सारा फील करता है, अपनी होपलेसनेस को, अपनी उन पेंस को, अपनी उन उसके साथ जो जो कुछ तब हुआ होता है उन सब चीज़ों को दोबारा से एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और इस चीज़ को हमने हेलुसिनेशंस डिल्यूजन्स एल्यूजन्स से डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। और आई होप कि आपको ये समझ आई हो, और अगर नहीं समझ आई फिर भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब मास्ट है प्लीज़। अल्लाह हाफिज़।